देवास शहर के थाना सिविल लाइन के पुलिस साहब को बहुत सारी समस्याओं से हर दिन से अवगत कराता आया हूँ, लेकिन बहुत ही लापरवाह यही है, बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ़ अधिकारी और उनको बहुत घमंड है। मैं हर दिन से उनको अवगत करा रहा हूँ, एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था, मैंने उनको शिकायत करवाई, सब तरह से कराई, बोले तुम लिखित में दे दो, जाँच होती रही। अब गाय का बछड़ा कब पैदा हुआ और कब शिकायत होगी, पर लोग ठीक है, मुझे दिक्कत। उसके बाद आज उनको दो बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने तीसरी बार फ़ोन लगाया तो बोले तू कौन है भैया, तू कौन है भैया, जा तेरी इच्छा हो मेरे ट्रांसफ़र कर दे, मैं तो तैयार बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार की बदतमीजी से बात करी मुझे। मैंने माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, CST साहब, SDM साहब और सारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं, उनको अवगत कराया है। मैं खुद थाने पर आया कि भैया मेरी बात सुन लो मेरे घर पर। मुझे यहाँ पता चला कि 1.5 घंटे तक सारे अधिकारी बैठे रहे, हम खुद बैठे रहे 2.5 घंटे तक, वो व्यक्ति अपने थाना इंचार्ज में नहीं आया और वो अपना थाना क्षेत्र छोड़ के लॉकडाउन में अपने घर, ऐसा बताया गया कि उज्जैन गया हुआ है और ड्रिंक कर रहा है और दबदमीजी कर रहा है। अच्छा, ड्रिंक की सुरकराहट तो यहाँ पर भी देखने को मिली है। आप ही के बाहर सुरकराहट हो रही थी कि शायद BJP और आप शायद नशे में, क्या मानते हैं? किससे बोला? बाहर इस तरह सुरकराहट चल रही थी, क्या मानते हैं आप? किससे बोला? वो सुरकराहट तो क्या होती है, पत्रकार पिए हुए तो क्या सुरकराहट चलेगी? मेडिकल करा लीजिए पत्रकार का। मंजूर है? ठीक है, नहीं मेरी करा लीजिए भैया। इसके बाद अभी आपको थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से आश्वासन क्या मिला और अगला कदम क्या रहेगा आपका? मैंने अपनी बात से, आज मेरी अपनी समस्या से मैंने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है, उन्होंने आश्वस्त करा है माननीय SP साहब से लगा के, माननीय विधायक जी ने सब ने, कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, आप जनता के लिए मैदान में उतरते रहेंगे? ऐसे ही उतरूँगा। और मैं परशुराम जी हूँ, आप मुझे भ्रमित ना करें माननीय। ये क्या है, क्या उल्टा सीधी बात करके आप भ्रमित करें? मतलब जो चर्चा थी बाहर, बहुत सवाल उनके थे। कौन था? चर्चा चल रही थी ना, रिपोर्ट चल रही थी यहाँ पे। अरे उससे चर्चा कर ले, और मैं अभी तैयार हूँ, मैं यहाँ पे चलते हैं मेडिकल के लिए, चले आपके साथ चलता हूँ। चलो।